अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं आपके लिए आलू और शिमला का सालन। तो बनाते हैं। सबसे पहले हमने प्याज लिया और उसके बाद हमने अपने फार्म की मिर्चें हैं, शिमला मिर्च वो ली, बहुत फ्रेश शिमला मिर्च है, उसे कट कर दिया। फिर हमने आलू लिए, मिर्चें ली हरी, ज़ीरा, काली मिर्च, लहसुन, टमाटर, प्याज को काट दिया हमने। हरी मिर्चें भी काट दी। ये ड्राई मसाले हैं जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और दो तीन तरह के चाट मसाले हैं। अब हम तेल लेंगे, उसे गरम करेंगे, फिर उसमें प्याज डाल देंगे। जब प्याज थोड़ा सोते हो जाएगा फिर उसमें हम लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जो ज़ीरे का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और अच्छे से फ्राई करेंगे। दो चम्मच भर के तकरीबन डालेंगे हम लहसुन, अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का, ज़ीरे का। उसे अच्छे से भूनेंगे, जब खुशबू आना शुरू हो जाए तो उसमें हम बारीक पिसे हुए टमाटर डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट है तो पेस्ट डाल देंगे, टमाटर का कटे हुए हैं तो कटे हुए डाल देंगे। मैंने पेस्ट बनाया है तो इस वजह से मैं पेस्ट डाल रही हूँ। उसे अच्छे से भूनेंगे, मिक्स करेंगे। प्याज और टमाटर को अच्छे से मिक्स कर देंगे और हरी मिर्चें डाल देंगे उसके अंदर, कटी हुई, काट के जो रखी थी हमने। अब भूनेंगे थोड़ा। इसके बाद फिर हम लाल मिर्च और ड्राई मसाले जो हमने दिखाए थे वो डाल देंगे, हल्दी, धनिया, नमक और चाट मसाले। ये सारे डालने के बाद इसे हम अच्छे से भुनेंगे। और ये सारे मसाले आप अपने हस्ब जायका डाल सकते हैं। इसमें हम छिले हुए और थोड़े बड़े साइज़ के आलू काट के डाल देंगे और उसे अच्छे से भुनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भुनना है उसे। जब टमाटरों का पानी थोड़ा खुश्क होने लगे तो फिर हम इसमें शिमला मिर्च जो काट के रखी थी हमने उसे भी हम थोड़ा सा बड़े साइज़ में काटेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं काटेंगे, वो डाल देंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तकरीबन 1 मिनट तो भूनना है उसे हमने। बहुत मज़े का बनेगा। ये हमारी भुजिया रेडी हो गई है, आलू शिमला मिर्च की भुजिया रेडी हो गई है। तो
बहुत मज़े की बनी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और आप बताते हैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।